आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपसे कह रहे हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। 216 है और इसकी पावर है 2/3, और ये जो रूट है मैं इन सब पे रूट की पावर 1/2 अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ आ गया 125, तो 125 आ गया, इसकी पावर 2 है, और ये जो रूट की पावर है 1/2 ये मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ। नीचे आ जाता है 0.04, तो मैं इसका पॉइंट करूँगी कैंसिल आउट, ठीक है। ये पॉइंट मैंने कैंसिल किया तो आ गया 1, पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं तो आ जाएंगे 00, और इसकी पावर है -3/2, और मैंने इसकी पावर 1/2 अप्लाई कर दी क्योंकि 1/2 ये रूट इस पूरे के ऊपर था, ठीक है जी। आप आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पर इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा है 216 की पावर बच गई है आपके पास 1/3, और यहाँ पर क्या हो गया है इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया है 125 जस्ट बचा, और अपॉन में आ गया आपके पास ये पावर जो है माइनस है। रेसिप्रोकल करेंगे दोनों नंबर्स को तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में समझाया हुआ है। अब ये 0 0 ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ 4 बचा है और 100 बचा है, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर मैं इनको कैंसिल कर रही हूँ। 4 1 4 और 4 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, तो मैंने ये भी इसे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ है 1/25 की पावर -3/2, तो 1/25 को जब मैं 25/1 कर दूँगी तो ये -3/2 पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी आपके पास। पावर्स को मैं अलग से लिख देती हूँ कि आपको पता लगे कि पावर्स यहाँ पे क्या क्या हैं, ठीक है जी। इस तरह करके मैंने पावर्स को अलग करके लिख दिया, मैं यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकती थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर बचा है मेरे पास 216 की पावर 3, तो 6 की पावर आ जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपके पास, जो ये 1/3 है ये 1/3 मैंने लिख दिया एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 125, तो 125 के लिए क्या होगा 5 की पावर आ जाएगा 3, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्या है 25 बचा है, तो 25 के लिए क्या होगा 5 की पावर आ जाएगी मेरे पास 2, तो ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास 3 1 3 और 2 2 4, तो 3/4 आ गई ये इसकी पावर। अच्छा जी, अब यहाँ देख रहे हैं आप, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया है, ये 2 1 2 और ये हो गया 2 2 4, तो अब जो जो मेरे पास रिमेनिंग था वो सब मैं लेके जा रही हूँ। ये आ गया 6 की पावर 1 बचा, तो 6 आ जाएगा। अब 5 यहाँ पर आपके पास 2 हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से, जब सेम पावर नंबर्स हों और डिवाइड हो रहे हों तो फिर उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं माइनस। तो ये मैंने 5 को 1 टाइम लिखा, ये पावर आ गई 3, और ये +3/2 ऊपर जाके हो जाएगा -3/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आ जाएगा 1, ठीक है जी। इसमें कोई कन्फ्यूजन बच्चों नहीं होनी चाहिए है। ओके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा, चले नेक्स्ट लाइन में आ गया 6, और यहाँ क्या आ जाएगा मैं लिख रही हूँ 5 को, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी इन पावर्स का ले लूँगी एलसीएम, तो ये आ गया एलसीएम, ये बटरफ्लाई मेथड होगा, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई 2 3 6, और ये आ गया 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास 6 बचा है, और 5 की पावर क्या आ गई है 6 में से 3 माइनस किया 3 बचा, और अपॉन में आ गया है 2, तो 5 की पावर 3/2 और 6 आ गया है मेरे पास यहाँ इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लास्ट पार्ट है, आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आ गया है 4 की पावर, रूट इसका ख़त्म कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 1/6, और यहाँ आ जाएगा 27 और रूट इसका ख़त्म कर देंगे तो आ जाएगा 1/3, और आ जाएगा आपके पास 60, रूट इसका ख़त्म कर देंगे तो पावर आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर, यानी डिनोमिनेटर में आ जाते हैं हम, तो डिनोमिनेटर में क्या है 180 का रूट ख़त्म करेंगे तो पावर आ जाएगी 1/2, और आ जाता है आपके पास 0.25, इसका पॉइंट मैं कैंसिल कर रही हूँ तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1, पॉइंट के बाद दो नंबर्स है तो आ जाएंगे 00,
और इसकी पावर क्या है आपके पास, 1/3। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएगा 9 और इसकी पावर क्या है आपके पास, 1/4। तो यहाँ पे मैंने सारी पावर्स को अलग पेंसिल कलर से लिखा है कि आपको पता लगे और कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अब चूँकि ये पॉइंट ख़त्म कर दिया है, ज़ीरो भी ख़त्म हो गया, तो 25 वन टाइम्स एंड 25 फोर टाइम्स 100 हो गया। ठीक है जी, चलें आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्या है, 4 की पावर 2 की पावर 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, और ये आ जाएगा 1/6। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 की पावर 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 127 और 1/3। अब 60 है, 60 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम आपको एलसीएम लेके दिखाते हैं। 60 2 30 times 2 15 times 3 5 times and 5 1 times। ठीक है, 180 का भी मैं यहाँ ले रही हूँ एलसीएम, 290 times 245 times 315 times 3 5 times and then 5 1 times। ये मैंने क्यों लिए हैं फैक्टर्स, क्योंकि ये जो 1/2 है ये इन सारे फैक्टर्स पर आता रहेगा। ठीक है जी, तो 60 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, 60 के लिए है 2 की पावर 2, इसके ऊपर आएगा 1/2। अच्छा जी, फिर क्या है मेरे पास, 3 की पावर 1, इसके ऊपर भी आ जाएगा 1/2, और इस तरीके से है 5 की पावर भी मेरे पास 1/2। ये आपके पास क्या है, ये पूरे एक अलग है, ये 60 का प्रोडक्ट था। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। 180 के लिए क्या है, 2 की पावर 2 है तो मैं इसके ऊपर पावर लगा रही हूँ 1/2, क्योंकि 180 पूरे पर है तो जितने भी फैक्टर्स हैं इन सब पर ये पावर आती रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पर आ गया 3 की पावर भी 2 है और आ जाएगा 1/2, और फिर लास्ट में एक बचता है 5, तो 5 के ऊपर भी पावर आ जाएगी 1/2। ये पूरा फैक्टर जो है आपके पास 180 का है। अब आ जाते हैं हम, ये जो 1/4 हमारे पास बचा था, 1/4 की पावर थी 1/3, मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूंगी, 4 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगी पावर, -1/3। तो ये 4 ऊपर चला गया और इसकी पावर क्या होगी, -1/3, क्योंकि ये 1/4 था तो प्लस पावर थी, मैंने इसे रेसिप्रोकल किया तो पावर हो गई नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर है 9, तो 3 की पावर 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये आ गया 1/4। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 1 2 2 2 4, यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल। तो अब जो बचेगा हम वो सारे नंबर्स यहाँ लिखते रहेंगे। क्या बचा यहाँ पर, 2 की पावर बचा है 1/3। ठीक है, 2 जितने हैं सारे 2 को मैं एक साथ लिख रही हूँ। देखें, एक ये 2 था इसकी पावर 1/3, एक ये 2 था इसकी पावर क्या थी, +1 थी, और एक यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके होगी -1। अब यहाँ पर जो है बाकी कोई 2 नहीं बचा, यहाँ अभी एक 2 आएगा तो उसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ जाती हूँ 3 पर, ये आ गया 3 की पावर यहाँ बची +1 और ये आ गया आपके पास +1/2, क्योंकि ये ऊपर ही था तो प्लस होगी पावर, ये पावर ऊपर जाएगी तो -1 और ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो -1/2। अब बचा मेरे पास 5 की पावर यहाँ ऊपर है 1/2 पॉजिटिव, ये ऊपर जाके हो जाएगी नेगेटिव। अभी यहाँ सिर्फ 4 बचा है जिसे मैंने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है जी, तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 4 के लिए क्या होगा, 2 की पावर 2 और -1/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर हो जाएगा -2/3। सही है जी। अच्छा, अब क्या करने लगे हैं हम, यहाँ आ जाएगा, देखिए आपके पास ये +1 -1 कैंसिल हो गया, ये +1 -1 +1/2 -1/2, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बची है 2 की पावर just 1/3, ये वाली 2 की पावर -2/3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2/3। 3 की पावर यहाँ पे क्या बची है, 0, 5 की पावर क्या बची है, 0। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से जिनकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होते हैं,
तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 और 3, और 3 पावर का मैंने लिया एलसीएम, सेम नंबर से तो ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, ये 1 हो गया, ये भी हो गया 1। चलें बच्चों, ये इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ आ गया 2, 3 और हो गया 3 और ये आ गया 1, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 की पावर क्या बची है, जस्ट 2 की पावर 1 बची, और यही है हमारा आंसर। तो देखिए, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने शॉर्ट करके इतने छोटे क्वेश्चन में लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और सबसे ज़्यादा आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।